पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक गाड़िया। मैं मुंबई से हूँ और दयान बाजार का फाउंडर एंड सीईओ हूँ। दयान बाजार एक एंड टू एंड बिजनेस टू बिजनेस यार्न मार्केट प्लेस है, जिधर हमारा विजन है एक अनऑर्गेनाइज टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज बनाना। टेक्सटाइल जैसी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग में तो काफी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए हैं, बट सेल्स है, डिस्ट्रीब्यूशन है, परचेजेस है, मार्केटिंग है, ये आज भी वैसे ही है। तो यार्न बाजार इस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर रहा है। हम एक ऐसा मल्टी चैनल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिधर हम यार्न बाइंग और सेलिंग को इजी बना रहे हैं बाय प्रोवाइडिंग अ वन स्टॉप यार्न सॉल्यूशन। तो शार्क्स, मैं इधर अपनी कंपनी में 2% इक्विटी के सामने 50 लाख के इन्वेस्टमेंट लेने आया हूँ। प्रतीक, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। तो आपको कितना एक्सपोजर है इस इंडस्ट्री का? तो वैसे मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन टेक्सटाइल्स हूँ। अपना अंडरग्रेड कंप्लीट होने के बाद एक साल अपने फैमिली बिजनेस में था, तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे टेक्सटाइल इंडस्ट्री ज्वाइन ही नहीं करनी है। आपका पेन पॉइंट क्या था जिससे आपने ये सोचा कि मैं ये करूंगा? एक्चुअली कैसा है, कोई भी फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए कैसा है कि बहुत कॉस्ट सेंसिटिव इंडस्ट्री है। सबसे पहले एक तो आपको है ना बार बार मल्टीपल सप्लायर्स को फोन करना पड़ता है उनसे जानने के लिए बेस्ट प्राइस क्या है। अब कभी कोई सप्लायर आपको रेट अच्छा दे रहा है तो डिलीवरी टर्म्स मैच नहीं हो रहे हैं, डिलीवरी टर्म्स मैच होगा तो आपके पेमेंट टर्म्स मैच नहीं हो रहे हैं। तो हर स्टेज पर है ना इनएफिशिएंट और ट्रांसपेरेंसी नहीं होने के कारण बहुत प्रोडक्शन लॉस होते हैं। उस वजह से क्या होता है, कॉम्पिटेटिव रेट्स में अपना कपड़ा नहीं बेच पाते हो, तो आपका टॉप लाइन भी अफेक्ट होता है और फिर आपका बॉटम लाइन भी अफेक्ट होता है। बेसिकली सप्लाई चेन ब्रोकन है, और सप्लाई चेन ब्रोकन है तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी उसको स्ट्रीमलाइन करने का, तब जाके मैंने ये चालू किया दयान बाजार। तो आपका जो ये जो पूरा मॉडल है एक बार हम इसमें देख सकते हैं? हाँ जी, श्योर। तो ये हम जो भी नया प्रोडक्ट बना रहे हैं वो है बेसिकली एक कम्युनिकेशन पूरा चैट बेस्ड है। तो बायर का मैसेज आया, अकॉर्डिंगली चैटबॉट से एक ऑटोमेटेड मैसेज जनरेट होकर उनको चला गया। उनकी जो भी रिक्वायरमेंट जनरेट होती है उसके हिसाब से हमारी टीम उनको बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस इधर देगी। क्वालिटी क्या है, सप्लायर कौन है, क्वांटिटी क्या है और प्राइस क्या है, वो कोई भी कोटेशन सिलेक्ट करेंगे तो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। पेमेंट इज ड्यूरिंग डिस्पैच। आप कोई भी ऑर्डर के ना डिटेल्स देख सकते हैं कि कब कितना पार्ट लोड डिस्पैच हुआ था, उसके डॉक्यूमेंटेशंस क्या है, उसका अनलोडिंग किधर किधर करना है, पूरा आप इधर हिस्ट्री देख सकते हैं। हमने जुलाई 2019 में ऑपरेशन चालू किया था, जस्ट बिफोर कोविड, और जुलाई 2019 से अभी तक हमने टोटल 212 करोड़ के ऊपर के ट्रांजैक्शंस किए और 100% एडवांस पेमेंट। हम खुद एक एस्क्रो है तो जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं हमारे उसके थ्रू रूट होते हैं। अच्छा, तो सप्लायर हमें बिल करते हैं, हम बायर को बिल करते हैं। पिछले महीने आपने कितना ट्रांजैक्शन किया और उसमें आपका कितना कट है? पिछले महीने हमारा 10 करोड़ का ऑर्डर साइज था जिसमें हमारा रेवेन्यू था 15 लाख। आपका रेवेन्यू था 15 लाख, तो आप 1.5% लेते हैं? हमारा कमीशन वेरी होता है 0.5 से 1.5% के बीच, डिपेंड करता है क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है। बट अगर एक बार बायर और सेलर एक दूसरे से मिल जाएंगे और उन्हें पता लग जाएगा कौन है, तो वो तो हम आपके थ्रू आपको 1.5% क्यों देंगे, क्योंकि बहुत कमोडिटाइज मार्केट है जिसमें मार्जिन बहुत कम है। प्रॉब्लम यही है ये इंडस्ट्री। बट हमारे साथ हमने ये नोटिस किया कि बिकॉज हमारा जो एक अश्योरेंस ऑफ सर्विस है, क्वालिटी ऑफ सर्विस है, तो हमारे साथ हमारे हर बायर का ना वॉलेट शेयर इंक्रीज हुआ है। एंड नॉट जस्ट दैट, हमारे बायर्स ने हमें सप्लायर्स दिए और हमारे सप्लायर्स ने हमें उनके बायर्स हमारे थ्रू दिए। अच्छा, हमारे साथ आज तक एक सिंगल ट्रांजेक्शन, हमने टोटल 1300 ऑर्डर्स प्रोसेस किए हैं, एक सिंगल ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं हुआ जिसमें सप्लायर ने या बायर ने कमिटमेंट फुलफिल नहीं किया। जो आप कर रहे हैं कोई और नहीं करता है? सिंगल इंडस्ट्री एंड सिंगल प्रोडक्ट फोकस, कोई दूसरा प्लेटफॉर्म ऐसा अभी है नहीं। अच्छा, मैं अपना डिसीजन सुनाना चाहूंगी। डेफिनेटली आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और स्पेशली अनऑर्गेनाइज और स्मॉलर प्लेयर्स के लिए जैसे कि आपने बताया, लेकिन इस एरिया में मेरा एक्सपर्टीज बिल्कुल नहीं है, तो उस वजह से मैं आउट। I understand. Thank you so much. आपकी टीम के बारे में बताएंगे, कौन-कौन है टीम में? मैं फाउंडर एंड सीईओ हूँ। विशाल दारक है, who's the co-founder and CEO. जनवरी 2020 में हमसे जुड़े। क्या बैकग्राउंड है उनका? वो भी मेरे जैसे ही बैकग्राउंड है उनका, फैमिली बिजनेस टेक्सटाइल में है। उन्होंने अपना मास्टर्स स्पेन से आई बिजनेस स्कूल से किया है। हम जब मिले तो वो तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिल्कुल भी मेरे तरह ज्वाइन करना ही नहीं चाहते थे। अच्छा, और उनकी कितनी इक्विटी है? उनको 8% स्टार्टअप इक्विटी दिया था और 10% ESOP staggered over the next 4 years. तो टोटल 18%। हाँ जी, वेरी गुड।
एक तीसरा को फाउंडर एंड स्ट्रेटेजी हेड है अक्षत दोषी, उनको 5% इक्विटी दिया था। टेक टीम क्या है आपका, कौन बनाता है ये ऐप वगैरह क्या है? अभी तक आउटसोर्स है, बट फाइनली हमें एक CTO ज्वाइन करे December 1st को। ओके। उनका 15 साल का टेक लीडरशिप का एक्सपीरियंस है, इसके पहले वो एक लीडिंग फिनटेक में CTO एंड चीफ आर्किटेक्ट थे। और उनको इक्विटी दिया आपने? हाँ, तो बिकॉज हम अभी कैश अफोर्ड नहीं कर सकते कैश फ्लो के कारण, उनको 5% ESOPs दिया है। 5%? हाँ जी। That's not bad. So, मैंने अपना डिसीजन बना लिया है। एक तो टेक्नोलॉजी पार्टनर आपका इनहाउस होना चाहिए था, जो मुझे लगता है। सेकंड, जो मुझे लगता है कि ट्रेडर्स जो होते हैं ना, वो डायरेक्ट भी जा सकते हैं आपस में, यू नो, इन्फॉर्मेशन आर्बिट्राज जो होती है उसी का उनका गेम होता है, और वो ज़्यादा ओपनली ये डिस्क्लोज नहीं करेंगे। अभी इसमें घुसना मेरे लिए ठीक नहीं है। इस बिजनेस में रिस्क क्या है? एक रिस्क है प्रोडक्ट के लिए कि आप अगर राइट प्रोडक्ट अगर बायर्स को नहीं दे रहे हो, बायर तो आप पे भरोसा करके ले रहा है, तो रिजेक्शन रेट हाई हो सकते हैं। दूसरा, हमारे नजर में एक रिस्क हो सकता है ट्रेड फाइनेंस। हमें शुरू से मालूम है, स्पेशली कमिंग फ्रॉम द इंडस्ट्री, कि उधार बांट के तो हम लोग कितना भी काम कर सकते हैं, बट एडवांस पेमेंट का जो बिजनेस है वो बहुत सेफ है। बिल्कुल। ऑब्वियसली हमें ट्रेड फाइनेंस बिल्ड करना है, बट हमें फिर उसका जर्नी है ना, एक हमारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड बिल्ड करके ही चालू करना है। एक और सवाल पूछता हूँ मैं, आप ये जो सप्लायर है, आप उसके एक स्टेप पीछे नहीं जा सकते? सर, आई एम वेरी हैप्पी आपने ये सवाल पूछा। तो हमने एक चीज और रियलाइज की कि बायर को जनरली क्या चाहिए कि OCD, उनको अच्छी क्वालिटी चाहिए, अच्छा प्राइस चाहिए, टाइमली डिलीवरी चाहिए। करेक्ट। उनको उतना ये नहीं है कि मेरे को ये मिल का माल चाहिए, एज लॉन्ग एज आप उनको अश्योरेंस दे सकते हो। टू एड टू दैट, साउथ में बहुत सारी छोटी यार्न मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जिनके पास मार्केटिंग बैंडविड्थ नहीं है, ब्रांडिंग नहीं है। बिल्कुल। तो हमने ऑलरेडी प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम चालू किया है, हमारे पास कुछ स्पिनिंग और मिक्सिंग एक्सपर्ट्स है जिनके साथ हम लोग प्रोडक्ट अचीव कर रहे हैं। वेर द आइडियाज कि हम ये छोटे मैन्युफैक्चरर जो ऑलरेडी बड़े मैन्युफैक्चरर जॉब वर्क कर रहे हैं, खुद का माल नहीं बेच रहे, उनके साथ हम लोग व्हाइट लेबलिंग करो और हमारे नाम से माल आगे बेचे, विच विल ऑल्सो इंक्रीज आर टेक रेट। तो हम चाह रहे हैं कि हमारा तभी बात बनेगी। एब्सोल्युटली सर। और एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि सप्लायर डिपेंडेंसी हमारे पास आ जाएगी। बिल्कुल। हम बायर को कंसिस्टेंट क्वालिटी दे पाएंगे। एब्सोल्युटली। और आप वो कंट्रोल करेंगे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। जब आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हो जाएगी, बायर तो ऑटोमेटिकली लाइन लगाएगा। मैं आपको ऑफर देना चाहता हूं। अनुपम ने, मैं और अनुपम आपको कंबाइंड ऑफर देना चाहते हैं। अश्ने भाई, आप तो मैं और अश्नीर भी आपको ऑफर देना चाहते हैं। तुम तो आउट हो गए थे। तुम तो आउट हो गए थे। उन्होंने अभी अपनी बाकी बातें बताई। अच्छा, ठीक है। ऐसा ही। हम भी अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है। कमाल है। आउट ओके नो रे। हाँ, हो रहा हूँ। मेरी मर्जी, मेरे पैसे। मैं बात तो करने दो यार मेरे को किससे। तो हम दोनों मिलके, अमन एक बार बात कर ले हम आपस में। चलो कर लो। प्रतीक, एक रिक्वेस्ट, अब एक मिनट के लिए बाहर आएंगे। ये सही रहेगा। श्योर सर। फोर ऑफ अस यार। इट्स ओके यार, लेट्स कम। हाँ भाई बता दो, क्योंकि लड़के तो ये होगी नहीं डील। ये अड़ियल है और मैं बिल्कुल अड़ियल हूँ। आपने मुझे अड़ियल बोला? बताओ क्या करना है? ये अभी कितने देने आया था परसेंटेज? ये देने आया था 50 लाख और 2%, मतलब 1 करोड़ का 4 हो गया। पहले डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है बीच में कोई ना कोई जाके बोलेगा मैं कर रहा हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। आपने किया ऐसा, मुझे पता है। एंड में जाके बोलेंगे मैं कर रहा हूँ। पर मेरे को लीड करने थे। लेकिन ऐसा नहीं कि ये ऑफर देके आप बोलो मेरा एक सेकंड ऑफर भी। यार थोड़ा तो विश्वास करो यार। क्या क्या ड्रामेबाजी चल रही है। चलो भाई आन दो। प्रतीक वेलकम बैक, आपको अश्नीर बताएंगे हम क्या सोच रहे हैं। अच्छा बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तेरा पैशन है, तेरे को समझ है इंडस्ट्री की। सॉल्व जो ये करना है, इसमें क्रेडिबिलिटी लानी है स्टोरी में। और हमको ये लगा कि अगर हम दो दो करके आएंगे, उसके अगेंस्ट अगर हम चारों आते हैं, तो आपकी नैरेटिव और बेटर हो जाएगी। हमको ऐसा लगा, आप डिफर कर सकते हो। दूसरी चीज़, ये 50 लाख से नहीं बनने वाला। मतलब मैं इतने टेक हायरिंग करता हूँ, मेरा क्वार्टर का BMW बाइक्स देने का बिल 50 लाख आता है, ठीक है, तो उससे नहीं बनने वाला। मैंने मार्केट बिगाड़ी, मैं बता सकता हूँ। ये बात सच है। तो इसके लिए हम तेरे को एक बेटर ऑफर दे रहे हैं। हम चारों आएंगे, सो अमन चार, मैं, पीयूष, अनुपम, चारों आ रहे हैं,
जो कि काफी रेयर है, मतलब आप नॉर्मली हम भिड़ लेते हैं, बैठे भी सर थोड़ा ऐसे, हाँ ऐसे ही वो जानबूझ के ऐसे बैठा है हाँ। तो और हम तेको देंगे 1 करोड़ रुपए। क्या बात कर रहे हो, बट हमारे को इसके अगेंस्ट 10% चाहिए। और उसका रीजन मैं बताता हूँ कि इसमें मेहनत बहुत है और रिस्क बहुत है। तो चल यार अब डिसाइड कर, तू तो डिसाइसिव लड़का है। सर सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, 4 लोग का आना, ऑफर देना मेरे लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर है कि आपको मेरा विजन शायद उसमें कुछ दम लगा। जैसे आप बोल रहे कि 1 करोड़ पे राउंड क्लोज करेंगे, 1 करोड़ से मेरे ख्याल से उतनी रनवे नहीं मिलेगी जो अपने को एक सीरीज ए तक लेकर जाए। बिटवीन मी अनुपम अश्नीर एंड अमन, आई डोंट थिंक देयर इज एनी वेंचर कैपिटलिस्ट इन इंडिया मेन दैट वुड बी लेफ्ट हु इज नॉट कलेक्टिवली इन्वेस्टेड इन ऑल 4 ऑफ अस। हम में से अगर एक भी बोल देगा ना कि हमें लगता है कि आपको मिलना चाहिए और ठीक से सुनना चाहिए, तो मैं इस बात की तो गारंटी ले रहा हूँ कि जिसको मैंने बोल दिया वो तो आपके साथ पूरा 1-1.5-2 घंटा लगाएगा इसको सुनने के लिए। No question about it, यार। प्रतीक, मैं out हूँ, but this is a great offer. I'm interested, but valuation को लेकर थोड़ा सा उसको round को अगर बढ़ा सके 1.25 करोड़ तक। भाई देख, बहुत बात हो गई, तेरे पास offer table पे है, तू call ले। ले ले प्रतीक, it's a great deal. ठीक है सर, लेट्स हैव अ डील। ऑलराइट, बट करेंगे कुछ बड़ा, करेंगे गुड स्टफ, गुड स्टफ, गुड स्टफ। मैं काफी इंप्रेस्ड हूं। रोने हो क्या? नहीं नहीं, इन्होंने नहीं नहीं रोने की बात नहीं, इन्होंने चीजें सी लिख दी। मैंने आपका विजन लिख दिया ना, लेट्स डिस्टर्ब द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। यस, नाइस, मींस अ लॉट सर, आई एम गोना कीप दिस विद मी। गुड स्टफ, इट्स टाइम टू चेंज। गुड जॉब, गुड डिसीजन प्रतीक। आपने पुश किया मैम। वापस बताओ, वापस बताओ। नमिता जी ने पुश किया, एक सेकंड फैक्टर वो है हाँ बोलने का। गुड डील यार। ऑलराइट, सुपर, मजा आ गया।